गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अंतरिक्ष विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे जो आगामी एमपी टेट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये अमेरिकी एजेंसी है। और भारतीय अंतरिक्ष इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का। तो ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व के कुल कितने देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस तकनीक है? तो ये इसका राइट आंसर है 6 देशों के पास एडवांस तकनीक है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी कदम रखा, चंद्रमा पर भी कदम रखा है? तो किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी कदम रखा है? तो इसका राइट आंसर है चौथे का दोस्तों, ए, एलन सेफर्ड। यानी पहले तो थे अमेरिकी, ये आप सभी को पता है नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसके साथ और कौन थे? यूरी गार्गिन और इसके अलावा एलन सेफर्ड। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो ये भारतीय मूल की थी। और दोस्तों कौन थी ये? तो ऑप्शन इसका 5 का राइट आंसर है ये कल्पना चावला। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? किसने ये कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कल्पना चावला, बी, कल्पना चावला। किसने ये कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ? तो दोस्तों ये किसने कहा था? कल्पना चावला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन, वन जाइट लीव फॉर मैन काइंड, किसने कहा? ये किसका स्टेटमेंट था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो दिया है, तो ये नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। ये किसका स्टेटमेंट है? नील आर्मस्ट्रांग। भारत के राकेश शर्मा किस बार अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर है 8 का बी, 1884 में ये गए थे अंतरिक्ष में। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 9 का राइट आंसर है दोस्तों ये 1972 में ये की गई थी इसकी स्थापना, भारत में अंतरिक्ष विभाग की। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आर्यभट्ट है। भारत में निर्मित स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये रोहिणी। स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम सैटेलाइट जो है वो कौन सा है? रोहिणी है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 12वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, 1969 में इसरो की स्थापना। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो भाई नील आर्मस्ट्रांग थे और साथ में यूरी गागरिन, तो ये किस देश के नागरिक थे? तो अभी हमने इसे एक पहले क्वेश्चन में लगाया, यूएसए यानी अमेरिकी नागरिक थे। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन के साथ जो गए थे, लेकिन ये सबसे पहले जो पैर रखा था वो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो, मून पर मैंने एक वीडियो बनाया है, एक लाइव क्लास का और एक वैसा समझाया है। तो दोस्तों आप वीडियो देख सकते हो, उसमें एक क्वेश्चन मून से रिलेटेड जरूर आएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो दोस्तों ये दोनों सुनीता विलियम और कल्पना चावला भारतीय मूल की महिलाएं हैं, और इनमें से पहले जो गई थी वो कल्पना चावला। अभी सुनीता विलियम ने सबसे लंबे समय बताया था और इनकी डेथ हो गई थी कल्पना चावला की, अंतरिक्ष में लौट करके नहीं आ पाई थी, विमान मार्ग भटक गया था। और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है यूएसए। जो दूसरी महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी, ये किससे संबंधित है? नासा द्वारा, यानी यूएसए अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन का ए, फरवरी 2003 में इनकी प्लेन
जो अंतरिक्ष यान था वो लौट करके नहीं आ पाया था, इसलिए मृत्यु हो गई थी। चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? 18वां क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 18वां ये क्वेश्चन है, 18 का ये राइट आंसर है कि कौन थे? कस्तूरी रंगन। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो काला क्यों दिखाई देता? क्योंकि वो ये अंतरिक्ष में वायुमंडल की गैसें नहीं होती, प्रकाश का प्रकीर्णन इतनी वजह से नहीं हो पाता, इस वजह से ये काला दिखाई देता है। जबकि पृथ्वी से आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। सेलेनोलॉजी, चंद्रमा, सेलेनोलॉजी का तात्पर्य किससे है? तो भाई ये सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। 21वां क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1994 में, 1994 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1900, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 2009, 2009 में ये प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो 2010 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों अभी चंद्रयान भी प्रक्षेपित किया गया है, लेकिन अभी ये फेल्ड हो गया था 2009 में, इससे पहले 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। और हम नेक्स्ट इसका एक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं पहले तो इसे, और फिर साथ में इसके टेस्ट पेपर भी लेकर के आएंगे, एक पार्ट टू अंतरिक्ष का। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।